देहरादून की सुसवा नदी कैंसर देने वाली नदी बन गई है। देहरादून शहर की सारी गंदगी, सीवर का पानी इस नदी में जाकर मिलता है। यह नदी अपने आसपास बसे लोगों की जिंदगी खराब कर रही है और उन्हें जिंदगी की जगह मौत दे रही है। ग्यारह साल के कुशल को ब्लड कैंसर है। 3 साल की उम्र में उसके घर वालों को यह पता चला और अब हर हफ्ते उसका खून बदला जाता है। उसके पिता मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। अब सिविल लाइन का देहरादून का जो पानी है, इसे फिल्टर तो नीचे जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है सब, उससे भी खेतों में भी यही खेतों में नुकसान है इससे सबसे ज्यादा। इसके वजह से ज्यादा इसी एरिया में ज्यादा हो रहा है। ना अभी तो फिलहाल यही है, यहाँ पे लक्ष्मी देवी ना, और एक तो एक्सपायर होगी। डोईवाला ब्लॉक के झटौंद गांव का कुशल अकेले नहीं है जिसे कैंसर की बीमारी हो। उसके पड़ोस में रहने वाले दीवान सिंह की पत्नी भी कैंसर का इलाज कराने के लिए दिल्ली गई हुई हैं। 2 साल पहले डॉक्टर ने उन्हें कैंसर बताया था। दीवान सिंह अपनी पत्नी के लिए अपनी 2 बीघा जमीन बेच चुके हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने उनसे बात की तो उनके आंसू छलक उठे। नहीं, हमारे गाँव में तो बता रहे हैं अभी इनका लोग और डेथ हुई है कैंसर से, क्या पता नहीं। इसके अलावा पड़ोसी गांव नागल बुलंदावाला में भी 3 से 4 लोग कैंसर से पीड़ित थे। गांव के पूर्व प्रधान बताते हैं कि यहां से बहने वाली सुसवा नदी जब से प्रदूषित हुई है तभी से कैंसर के मरीज बढ़ गए हैं। साथ ही झडौंद और उसके पड़ोसी में भी 12 से 15 लोगों को या तो कैंसर है या फिर उनकी मौत कैंसर से हुई है। और तो जब से शहर का सारा गंदा गंदा पानी इसमें डाला गया है, जैसे सिविल लाइन डाली गई है, डेयरियां हैं, फैक्ट्रियां खुली हैं, उनका जब से पानी आने लगा है तो उससे सारी नदियां गंदी हो चुकी है। अब इसमें कोई भी इसको इस्तेमाल नहीं करता है। जो इसमें जंगली मछली वगैरह हैं या कोई जानवर पीते हैं तो वो भी उनकी मृत्यु होती है उसमें। इस पैक संस्था के संस्थापक ब्रिजमोहन शर्मा बीते 5 सालों से सुसवा नदी और घरों के नलकों में आने वाले पानी की टेस्टिंग कर रहे हैं। उनका मानना है कि सुसवा नदी में कैंसर देने वाले तत्व आ गए हैं जो कि ग्राउंड वाटर के साथ मिल रहे हैं। साथ ही इस क्षेत्र में पानी की आपूर्ति ट्यूबवेल से हो रही है जिससे ये पानी लोगों को कैंसर दे रहा है। दाल और स्पना का जो पूरा एफ्लुएंट है उसका जब संगम होता है तो वो सुसवा बनती है। वहाँ पे जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट है और कॉटन इंडस्ट्री है या हॉस्पिटल वेस्ट है वो सब इन नदियों में जा रहा है और इसकी वजह से वहाँ पे टॉक्सिक मेटल्स जो कार्सिनोजेनिक मेटल्स हैं वो सब के सब इसमें मिलती हैं। क्रोमियम हो गया, जिंक हो गया आपका, आयरन हो गया आपका, मरकरी हो गया, लेड हो गया, ये सब उस पानी के अंदर है। ऐसा नहीं कि इलाके के जागरूक लोगों ने इस मसले को उठाया ना हो। इस इलाके के वरिष्ठ पत्रकार शंकर सिंह भाटिया इस मामले को मानवाधिकार आयोग तक लेकर गए थे। आयोग ने निर्णय दिया कि रिस्पना नदी जिससे सुसवा को पानी मिलता है उसके उद्यम स्थल से 40% पानी नदी में छोड़ना जरूरी होगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। हमने मानवाधिकार आयोग में 2 साल पहले एक केस डाला था कि रिस्पना में जो नेचुरल पानी का स्रोत है कम से कम उसका 40% पानी रिस्पना में जाने दिया जाए ताकि जो रिस्पना गंदी हो रही है और उससे रिस्पना को बचाया जा सके। और लेकिन इस पर एक आदेश भी हुआ था मानवाधिकार आयोग से कि 40% पानी छोड़ा जाए, आज तक उसका इम्प्लीमेंट सरकार ने नहीं किया है। देहरादून शहर से बहने वाली 2 नदियों से मिलकर बिंदाल और रिस्पना का निर्माण करती हैं। दोनों नदियों में पूरे शहर की गंदगी मिलती है जो सुसवा में जाकर जहरीली बना देती है। एक समय ऐसा था जब सुसवा नदी में जीवन बहता था, लेकिन देहरादून शहर की गंदगी को ढोते ढोते ये नदी अब जहरीली हो गई है। जरूरत इस बात की है कि इस नदी के दूषित हो जाने और इसके आसपास के गांवों में बढ़ते कैंसर के मरीजों के बीच के संबंध को जांच लेना चाहिए। कैमरामैन अनिल नेगी।